सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रों के 9 दिन भूलकर भी हमें ये 9 काम नहीं करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 2 अप्रैल 2022 से चैत की नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। पूरे साल में नवरात्रि 4 बार आती है, जिसमें से चैत्र की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि का पर्व मार्च अप्रैल में और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के बीच में आती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से दरिद्रता के साथ साथ व्यक्ति को कई प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही काम बताने जा रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान करने से बचना चाहिए। नंबर 1, प्याज लहसुन का इस्तेमाल। नवरात्रि कोई सी भी हो, नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन खाना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को दूषित करते हैं, साथ ही मानसिक थकान का कारण भी बनते हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। नंबर 2, शराब का सेवन। वैसे तो शराब का सेवन सदैव ही हानिकारक होता है, और चैत्र नवरात्रि को तो माँ दुर्गा की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे देवी माँ क्रोधित हो जाती है। नंबर 3, चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल। नवरात्रों के दिनों में हमें चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, जूते, ब्रेसलेट, जैकेट आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। चमड़ा जानवर की खालों से बना होता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी चीजों को पहनने से आपका अशुभ हो सकता है। नंबर 4, बाल और नाखून काटना। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही अपने नाखून और बाल कटवा लेते हैं, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून और बाल कटाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बाल और नाखून काटने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, इसलिए नवरात्रि के दौरान बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। नंबर 5, अपशब्दों का उपयोग करना। नवरात्रि को हिंदू धर्म में पवित्र पर्व के रूप में माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में किसी भी व्यक्ति को अशुभ या अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। नवरात्रि माता दुर्गा की देवी और भक्ति करने का समय होता है, और अगर ऐसे समय में आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोगों के मन में बुरे ख्याल या विचार आने लगते हैं। इसलिए ऐसे विचार मन में ना आए, ऐसा प्रयत्न करें ताकि नवरात्रि के दिनों में आप सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्ध रह सकें, तो माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है, इसलिए इस दौरान अपशब्दों का प्रयोग करने से बचे। नंबर 6, नॉनवेज खाना। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इन 9 दिनों तक देवी भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजन करते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान सभी प्रकार के नॉनवेज फूड खाने से बचना चाहिए। नंबर 7, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के दिनों में घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहां गंदगी होती है वहां माता रानी का वास नहीं होता, इसलिए घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा रखें। नंबर 8, घर खाली ना छोड़ें। कहते हैं कि अगर आपने घर में कलश स्थापना की है तो घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर के मंदिर में आपको अपने कलश स्थापित किया है, वहां 24 घंटे अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए और मंदिर का दरवाजा खुला रखना चाहिए। नंबर 8, नारी का सम्मान। माता रानी की पूजा के दौरान कन्या पूजन का विधान है। मान्यता है कि कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती है, ऐसे में आपको इन 9 दिनों तक ही नहीं बल्कि आजीवन नारी का सम्मान करना चाहिए, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। नंबर 9, बेजवान को बेवजह परेशान करना करें। नवरात्रि में सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि बेजवान जानवरों को भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा इस पूरे संसार की माता है, इसलिए हम इंसान और पशु पक्षी सभी बच्चों के समान है, उनका वाहन भी सिंह है, इसलिए बेवजह किसी को दुख ना पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी?
आशा करता हूं कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो आप भी निरंतर प्रभु का सच्चे मन से और सच्ची भाव से स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी भावना जरूर स्वीकार करेंगे, बस आपको प्रभु पे संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।